हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान बाजार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दीपावली पर आपको ऐसे कौन से उपाय और टोटके अपनाने हैं जिनसे कि आपकी धन धान्य बना रहे। और आप अगर गरीब हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और पैसा नहीं रुक रहा है किसी भी हालत में, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दीपावली की रात पूरे साल भर की सबसे अच्छी रात मानी जाती है। और उस दिन यदि हम कोई भी टोटका करते हैं या कोई भी उपाय अपनाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर सफल होता है, क्योंकि दीपावली की रात महानिशा के नाम से जानी जाती है। यानी उस दिन हम कुछ भी उपाय करते हैं, टोटका करते हैं, वो निश्चित तौर पर सफल होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, यदि पैसों की कमी है तो दीपावली की रात को आपको कौन से टोटके अपनाने हैं जो कि आपको धन धान्य से भर देंगे। अगर आप यकीन करते हैं तो आप ज़रूर अपनाइए, अगर नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्यौहार है। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ उनका आह्वान किया जाता है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन से हुई है। देवों और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था, तब उनमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और माँ लक्ष्मी उनमें से प्रकट हुई थी। तो मान्यताओं के अनुसार दीपावली और मनोकामना सिद्धि का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इस दिन तंत्र मंत्र विद्याओं के अनुसार दीपावली को सभी प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वाधिक संपूर्ण माना जाता है और उपयुक्त माना जाता है। यही वजह है कि दीपावली की रात को हम महानिशा कहते हैं, यानी ऐसी रात जो वर्ष भर में सबसे महान होती है। और इस रात को हम कोई भी उपाय करते हैं या टोटका करते हैं तो वो 100% सिद्ध होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही कुछ उपाय और टोटके मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी आपको सरल और उत्तम लगता है वो ज़रूर आप अपनाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो पूजा करते समय उनको आप बताशा ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बताशा माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो उनकी पूजा अर्चना में आपको बताशा ज़रूर रखना है। तो आप सभी जानते हैं कि मार्केट में दीपावली वाले दिन कितने सारे बताशों की खरीदारी की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बताशा अत्यंत प्रिय है, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद करती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, दीपावली के दिन सुबह सुबह ही माँ लक्ष्मी के आप मंदिर जाएं, या जो भी कोई आसपास ऐसा मंदिर हो जहाँ पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, वहाँ जाकर आप लक्ष्मी जी को पोशाक चढ़ाएं, पूरा श्रृंगार करें, खुशबूदार गुलाब की अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और धन प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका धन, जो आप चाह रहे हैं कि आपको धन प्राप्ति हो या आपके व्यवसाय में तरक्की हो, तो उसमें आपको सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। यदि आपके आसपास माँ लक्ष्मी का कोई भी मंदिर नहीं है तो आप घर में ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर ये सारे कार्य कर सकते हैं, उनको पोशाक चढ़ा सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का आवाहन आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि दीपावली के दिन ही प्रातःकाल आप गन्ने का रस लेकर आएं और रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ गन्ने की भी पूजा करने से आपको धन संपत्ति में वृद्धि होगी। यानी आपको या तो गन्ने का रस मिल जाए या गन्ना आपको मिल जाए, आसानी से इस मौसम में आपको गन्ना मिल जाएगा, तो आप गन्ना ला सकते हैं और गन्ने की भी पूजा करें और माता को वो अर्पित करें, तो इससे भी माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। तीसरा उपाय आपको करना है, दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद 9 संख्या में आपको कितनी लेनी है, 9 गोमती चक्र तिजोरी में स्थापित करें, और करने से वर्ष भर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है अगर आप ऐसा करेंगे तो। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती। देखिए, ये ऐसे उपाय हैं जो हम दीपावली वाले दिन करते हैं, या फिर आप इसको डेली भी करती हैं तब भी माँ लक्ष्मी आप पर बिल्कुल आप पर कृपा करेंगी, आप पर मेहरबान रहेंगी, आपको कभी भी इस तरीके से आर्थिक तंगी नहीं होने देंगी यदि आप उनका आह्वान करती, पूजा अर्चना करती हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ।
दीपावली वाले दिन चौथे उपाय में आपको क्या करना है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हो या कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो या महिला हो या कोई भी भूखा प्यासा हो, उस दिन आपको उसको बड़े प्यार से भोजन कराना है। वैसे तो आपको ये काम अगर आप नित करते हैं, यदि आपकी ये आदत में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन दीपावली वाले दिन आप ये काम करती हैं तो ये अलग ही फल देगा। तो आप किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को या वृद्ध महिला या व्यक्ति को भोजन कराते हैं, किसी भूखे प्यासे को अच्छी तरह से भोजन कराते हैं और दान आदि देती हैं, तब भी माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। यहाँ पर आपको मैं पांचवा उपाय बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। लक्ष्मी पूजन के पश्चात जब आपका लक्ष्मी पूजन अच्छी तरह से संपन्न हो जाए रात्रि के समय, तो आप चने की दाल को माता के ऊपर छिड़कें, यानी माता को अर्पित करें, और जब वो गिर जाए नीचे तो उन सभी चने की दाल को आप एकत्रित करके एक लाल कपड़े की पोटली बना लें और उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। और ध्यान रखें, पोटली को समय समय पर आपको चेक करना है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कीड़ा या घुन ना लगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सही सलामत वो दाल अगली दीपावली तक बनी रहती है तो उस दाल को आप किसी भी मिट्टी या गमले में डाल सकती हैं, या किसी भी चींटी या किसी भी सूक्ष्म जीव को आप उससे खिला सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और आप यकीन मानिए, ये अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको फल देंगी, लेकिन अगर आप इन पर विश्वास नहीं करोगे तो ये आपको फल बिल्कुल भी नहीं देंगी। अब यहाँ पर छठवां उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि दुकानदार हैं और व्यवसायी हैं। दीपावली की रात को साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे दुकान में चारों तरफ घुमाएं और किसी चौराहे पर जाकर उसे उत्तर की दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से ज़्यादा ग्राहक आएंगे और धन लाभ में वृद्धि होगी। आप ऐसा ज़रूर करके देखिए और यकीन मानिए, ये टोटका आप पर बहुत ही ज़्यादा कारगर और मददगार आपको साबित होगा। इसके साथ ही दीपावली पर पूजन के समय माँ लक्ष्मी को यदि आप जो कमल गट्ठे की माला पहनाएं, कमल गट्ठा माता को अत्यंत प्रिय है, जैसे कि बतासा माता को प्रिय है वैसे ही कमल गट्ठा बहुत प्रिय है। यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल गट्ठा शामिल करते हो और उनको अर्पित करते हो या उनकी माला उनको चढ़ाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, तो आप ये भी कर लें। अंतिम उपाय यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी जो तिजोरी है जहाँ पर आप अपना सारा धन रखते हैं, वहाँ पर आप माँ का जो प्रिय वाहन है उल्लू की तस्वीर ज़रूर चिपकाएं। उल्लू की तस्वीर अगर आप अपनी तिजोरी पर चिपकाते हैं तो ये टोटका बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है और आपको ये 100% धन धान्य में वृद्धि करेगा, लाभ देगा, तो ये भी आपको करना है। तो प्यारे दोस्तों, यदि इनमें से आप कुछ भी कर पाते हैं, जितने भी मैंने ये आपको उपाय बताए हैं इनमें से आप जितनी भी कर पाते हैं आप उनको करके देखिए, और ये आपको दीपावली वाले दिन ही करने हैं। अगर दीपावली वाले दिन ही आप इन सबको करेंगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपको ये बड़े शांत और चुपचाप तरीके से करने हैं, किसी को बताना नहीं है, तभी ये सफल होंगे, अदरवाइज़ ये सफल नहीं होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।